खैरियत होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है फिश पुलाव। विंटर सब ज़्यादातर लोग फिश खाना पसंद करते हैं क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इस टाइम हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, इसलिए आपको चाहिए फिश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसे महफूज रखने के लिए आपको फिश खानी चाहिए, कॉफ़ीज पीनी चाहिए। तो हमने आपको बहुत सारी रेसिपी सिखाएंगे विंटर की, आप वो इसे इंजॉय करें और सेलिब्रेट करें अपनी विंटर्स को। तो फिश पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है। सारे मीट्स के अंदर सबसे हेल्दी गोश्त फिश का गोश्त होता है, तो इसलिए आपको चाहिए फिश ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और विंटर से बचें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। फिश पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक बोनलेस फिश ले ली है, ये आप कोई से फिश ले सकते हैं, और उसको हमने सिरके और नमक के पानी से धो लिया है 3 से 4 बार। जो मसाले रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं: सिवी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून फिश मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मैरिनेट। और ये बोनलेस आप कोई से भी फिश ले सकते हैं, कांटों वाली भी और बगैर कांटों वाली भी। तो हमने यहाँ बोनलेस फिश लिया, उसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम गर्म मसाला ऐड करेंगे, फिर सिवी लाल मिर्च ऐड करेंगे, कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, फिश मसाला ऐड करेंगे, और हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। तमाम मसाले इसके साथ हम ऐड कर देंगे, तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। फिश के अंदर हमने तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं अच्छी तरीके से मिक्स, के अंदर तमाम मसालों को उसमें लगा दिया अच्छी तरीके से। उसको हम रखेंगे 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि हम मसाला इसमें इसलिए लगाया क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लें सारा मसाला फिश के अंदर और उसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको रखेंगे कवर करके 30 मिनट के लिए। अब 30 मिनट के बाद हम इसको आपका लुक दिखाते हैं। फिश को कर लिया है मैरिनेट अच्छी तरीके से। फिश पुलाव को हम बनाएंगे मसाला। फिश पुलाव मसाला बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ये मैं आपको बता देती हूँ। किलो चावल लेंगे, वनस्पति चावल लेंगे, कितने बड़े बड़े आप देख सकते हैं, ये देखें इतने लंबे लंबे चावल हैं। प्याज है जिसे हमने बारीक काट लिया है, 4 अदद हम टमाटर लिए जिसे हमने स्लाइसिस में काट लिया है, पुदीना 2 टेबल स्पून, हरा धनिया 6 अदद, हरी मिर्चें 1 टीस्पून, हमने कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पुलाव मसाला 1 टीस्पून, फिश मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर मसाला 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें फिश पुलाव बनाने के लिए। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अंदर पोट ले लिया, पोट के अंदर हमने 1/2 कप घी डाल दिया क्योंकि पुलाव हमेशा घी में बनता था, हमने इसमें घी ऐड कर दिया 1/2 कप। वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या ऐड करते हैं ये आपको पता है। बना सकते हैं आप चाहें तो वाल में बना सकते हैं, हम घी में बनाना सिखा रहे हैं आपको, वाल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास जो चीज़ हो उससे बना सकते हैं। घी ले लिया था, वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटी प्याज। इसको हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन फ्राई, प्याज फ्राई हो रही है और उसमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। चलो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, थोड़ी सी से हम और फ्राई करना है। हम प्याज को निकालेंगे और 1/2 प्याज इसी पॉट के अंदर रहने देंगे। इसमें निकाल लिया और आधी प्याज को इसी में रहने दिया और उसके अंदर ऐड कर देंगे मिक्स गर्म मसाला, कर देते हैं 1 टेबल स्पून तक फ्राई कर लेंगे मिक्स गर्म मसाले को। मिक्स गर्म मसाले को फ्राई करते हैं, उसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं अदरक लहसुन और मिक्स गर्म मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है, तो फिश पुलाव की खुशबू दुबाला हो जाती है, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है और बहुत ज़्यादा खुशबू वाला पुलाव आपका तैयार होता है। करेंगे स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर, टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिया और उसे हम 3 से 4 मिनट तक इसे सॉफ्ट करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे, देंगे 4 मिनट के बाद मिलते हैं कवर करने के बाद। 4 मिनट से कवर करके रख देते हैं अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, इसका हम कवर हटाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा पानी टमाटर ने कितना रिड्यूस किया है। पानी हमारा काफ़ी हद तक टमाटर ने रिड्यूस कर दिया और ये टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस, इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, पुलाव मसाला ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसाले एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे और हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले लगे नहीं अच्छी तरीके से कुक हो। हसबे ज़रूरत इसके अंदर हम पानी ऐड, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले डाल के उसे 3 से 4 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे अच्छी तरीके से। देख सकते हैं मसाला काफ़ी हद तक भुनता जा रहा है, और भून लेंगे हम थोड़ा और। चलो माशाल्लाह हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, और अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये आपको बताते हैं आगे जाके। हमारे
तो फिश को मैरिनेट हुए 30 मिनट हो चुके हैं और उसको हम करेंगे फ्राई। लल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे फिश के पीसेस। फिश के पीसेस ऐड करेंगे वन बाय वन करके, सारे डालने का फिर आपको दिखाते हैं। ये फिश के पीसेस ऐड कर दिए और उसे हम कर लेंगे फ्राई अच्छी तरीके। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे फिश के पीसेस हो रहे हैं अच्छी तरीके से फ्राई, दोनों साइडों से हम कर लेंगे इसे डीप फ्राई। हमारे फिश दोनों साइडों से अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, बहुत प्यारा कलर आ चुका है, इसी तरह सारे फिश को कर लेंगे फ्राई। हमारे फिश हो चुकी है अच्छी तरीके से फ्राई, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं ये आपको बताते हैं। माशाल्लाह हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हरी मिर्चें। बारीक कटी हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। माशाल्लाह हमने हरी मिर्ची डाल के से 1 से 2 मिनट तक इसे इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए अच्छी तरीके से। हमने हरी मिर्च ऐड कर दी है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे भीगे हुए चावल जो हमने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। चावल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, चावलों के अंदर इतना ऐड किया कि चावल हमारे अच्छी तरीके से भीग जाए। चावलों का पानी बहुत अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया और पुदीना हमने इसमें ऐड कर दिया है। हरा धनिया पुदीना डालने का इसके ऊपर फ्राई हुई हुई फिश हम रख रहे हैं, फ्राई प्याज जो हमने फ्राई कर ली थी करें फ्राई प्याज, और इसको हम रखेंगे 20 मिनट के दम पे लो फ्लेम। हमारा फिश पुलाव का आ चुका है दम, उसको हम निकालेंगे सर्व करके आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चावल है, मैं आपको दिखाऊंगी क्लोज करके। हमारा फिश पुलाव हो चुका है कम्प्लीट रेडी से, आप देख सकते हैं कितने लंबे चावल है, बहुत एक्सपेंसिव चावल है और उसका लुक बहुत अच्छा आया है। उसको हम डिश आउट करने का फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। हमारा फिश पुलाव हो चुका है कम्प्लीट रेडी, विंटर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ये पुलाव है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमारा फिश पुलाव हो चुका है कम्प्लीट रेडी, विंटर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ये पुलाव है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जबरदस्त लंबे लंबे चावल हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।